बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद जांच शुरू। दिल्ली की 7 महिला अधिकारी यौन शोषण के आरोपों की करेंगी जांच। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद बोले बजरंग पुनिया, हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होने तक हम जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं और जो उनके ऊपर पहले केसेस हैं, 84 केसेस उनके ऊपर पहले हैं और जो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, जब तक उनके उनको अरेस्ट नहीं किया जाता तो धरना जारी रहेगा। महिला रेसलर और शिकायतकर्ताओं में शामिल विघ्नेश फोगाट ने कहा, हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं हो जाती। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट पे मैं पूरा विश्वास। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने को रेसलर साक्षी मलिक ने जीत की ओर पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी जांच कमेटी या दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं। पहलवानों के वकील कपिल सिब्बल ने SIT जांच की मांग की। सिब्बल ने कहा, ब्रजभूषण के खिलाफ 40 केस दर्ज, महिला पहलवानों की सुरक्षा को लेकर भी जताई चिंता। यौन शोषण केस दर्ज होने के बाद बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, पुलिस को जांच में दूंगा पूरा सहयोग। दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। WFI प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पहलवानों के समर्थन में आए दूसरे खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा, दुख होता है, देश के लिए जी जान लगाने वाले इंसाफ के लिए सड़क पर बैठे। शोषण के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवानों को सियासी दलों का भी साथ मिलने लगा है। पश्चिम बंगाल की ममता ने दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया और उन्होंने कहा कि दोषियों को कटघरे में लाया जाना चाहिए। कई दलों के नेता समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचेंगे। पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा 3 मई को प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर चुका है। कर्नाटक में आज से PM मोदी की चुनावी रैली और रोड शो की शुरुआत। आज से अगले 6 दिनों तक प्रधानमंत्री राज्य में 22 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। PM मोदी की आज हुमनाबाद, विजयपुरा, कुर्ची और उत्तरी बेंगलुरु में जनसभा। हर दौरे में PM कम से कम 3 रैलियां करेंगे। सरनेम मानहानि केस में सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई। कांग्रेस नेता ने सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में दी है चुनौती। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आज आरोप तय किए जाएंगे। साकेत कोर्ट आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच पर सुनाया बड़ा फैसला। भड़काऊ भाषण मामले में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को फौरन केस दर्ज करने के निर्देश। केस दर्ज में देरी कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के PM मोदी पर दिए विवादित बयान के दूसरे दिन शुक्रवार को बीजेपी विधायक बासिम गौड़ा की फिसली जुबान। बीजेपी विधायक बासिम गौड़ा ने सोनिया गांधी को बताया विश्वकन्या, सोनिया को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताया। और बच्चे नागर हमें बोल स्तर है, विशाल स्तर है। निम्मो पार्टी निवेन यार मैं कुनी लगतेर ला। सोनिया गांधी ने विषय करने है ना गात। ये देश हाल मारना था। चीना मतो पाकिस्तान एजेंट रह कर समाधान था। बीजेपी विधायक के बयान पर हमलावर हुई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने PM मोदी और अमित शाह से मांगा जवाब। PM मोदी की सांप से तुलना वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। बोले पूरी दुनिया जिस PM मोदी का सम्मान करती है कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें विषैला सांप कहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का किया बचाव। CM नीतीश कुमार ने कहा, DM कृष्णैया के दोषी की रिहाई केंद्र के नियमों के मुताबिक।
और बताइए वो आदमी कितना दिन हो गया है उसका, 15 साल से भी ज्यादा उसका तो हो गया। और सब तरह से बताइए राय लेकर के किया गया है, तो एक एक चीज को आप देख। कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया रोड शो। राहुल ने कहा राज्य में कांग्रेस की सरकार आनी तय। राहुल ने कहा सत्ता में आने पर हर पंचायत को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। बीजेपी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा बीजेपी को 40% कमीशन से लगता है कि इस नंबर से उन्हें लगाव है, इसलिए कर्नाटक के लोग उन्हें इतनी ही सीट देंगे। बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू के पूर्व नेता अजय आलोक, अजय आलोक का नया ठिकाना बीजेपी। दिल्ली में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक, राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता। एससीओ की बैठक में आतंकवाद के खात्मे और शांति पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद और अंकुश और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत। बैठक में चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान देश शामिल। एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले एक साथ नजर आए चीन और रूस के रक्षा मंत्री। चीनी रक्षा मंत्री ने ली शांगफू और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने बातचीत की। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे पर चर्चा। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सूडान से अब तक 2100 भारतीय सुरक्षित निकाले गए। 135 लोगों का 12वां बैच देर रात सूडान पोर्ट से जिंदा पहुंचा। सूडान से अब तक कुल 1360 भारतीय नागरिकों को देश वापस लाया जा चुका है। शुक्रवार को 754 भारतीय स्वदेश लौटे, इनमें से 362 लोग बेंगलुरु पहुंचे। सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत बुधवार को 360 और गुरुवार को 246 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। सूडान में 3500 के लगभग भारतीय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माफिया अतीक अशरफ हत्या मामले में 3 हफ्तों में मांगा जवाब। शुक्रवार को सुनवाई के बाद यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने किए 2 अहम सवाल। पहला, हमलावरों को इन दोनों के अस्पताल जाने की कैसे मिली जानकारी, और दूसरा, अतीक अशरफ को एम्बुलेंस की बजाय परेड कराते क्यों ले जाया गया। कोर्ट ने पूछा कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले में जस्टिस चौहान की कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या किया है, ये बताएं। 3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। अतीक से जेल में मिलने गई महिला से सस्पेंस हटा। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के करेली की रहने वाली शबाना ने की थी मुलाकात। अतीक के बेटे अली ने के नाम से छपे पोस्टर में कहा गया मुस्लिम एकजुट हो जाएं और बीजेपी सपा को वोट ना करें। पोस्टर में अखिलेश यादव कट गए। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को राहत। कोर्ट ने सुनाया फैसला, सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली बरी। फैसले के दौरान कोर्ट में अपनी मां के साथ सूरज पंचोली मौजूद रहे। जिया खान के लिए इंसाफ की मांग कर रही मां राबिया भी सीबीआई कोर्ट पहुंची थी। जिया खान ने 3 जून 2013 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिया खान निशब्द, गजनी और हाउसफुल जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। सुसाइड के बाद पूरा बॉलीवुड स्तब्ध रह गया था। जिया खान ने सुसाइड से पहले 6 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था। सीबीआई ने दावा किया है कि लेटर में सूरज पर शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात लिखी थी। एक्ट्रेस की मां ने उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। अरेस्टिंग के बाद सूरज बेल पर बाहर था। फैसले के बाद मामले से हुआ बरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया। रेडियो संपर्क को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने कहा सरकार FM कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास से रेडियो सेवाएं अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगी। अब 84 जिलों में 91 नए FM ट्रांसमीटर होंगे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 91 नए FM ट्रांसमीटर स्थापित किए गए। पीएम मोदी ने कहा गांव-गांव तक पहुंचा ऑप्टिकल फाइबर, गांव तक जानकारी पहुंचाने में मदद मिली। डिजिटल तकनीक से युवाओं को बहुत फायदा हुआ। 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है।
प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद पीएम मोदी का अखबारों में लेख। लेख में पीएम मोदी ने लिखा कि प्रकाश सिंह बादल ने दशकों तक मार्गदर्शन दिया। लेख में पीएम मोदी ने लिखा, प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के अहंकार और जुल्म का सामना किया। प्रकाश बादल बड़े दिल वाले नेता थे। बादल हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहे। बंगाल के कालियागंज में लड़की की मौत। बंगाल के कूचबिहार में बंद के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक सरकारी बस में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। कई जगह से बंद के दौरान बीजेपी और टीएमसी कर्मियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। कई कार्यकर्ता हिरासत में ले गया। पुलिस के कथित अत्याचार के खिलाफ बीजेपी ने आज 12 घंटे के उत्तर बंगाल बंद का आह्वान किया। कालीगंज में 30 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक इंटरनेट बंद। बंगाल में सुबह से ही दिखने लगा बंद का असर। जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में बीजेपी ने निकाला जुलूस। ज्यादातर इलाकों में दुकानें बंद रही। बंगाल के कालीगंज में लड़की की मौत पर बंगाल पुलिस तलब। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उत्तर दिनाजपुर के एसपी, डीएम और आईजी को बंगाल से दिल्ली बुलाया। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की हुई आधिकारिक शुरुआत। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद में हुआ कार्यक्रम। गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल तौर पर जुड़कर संदेश दिया। चिथिराई महोत्सव के पांचवें दिन मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के देवताओं को की शोभा यात्रा निकाली। मेघालय के मुख्यमंत्री ने डोलेग्री में चल रहे तुरा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभागों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कन्नूर के थाली परंपा श्री राजराजेश्वर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। पूंछ के मुगल रोड पर एक बार फिर हुई बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फ हटाने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर देखने को मिली। सैलानियों के खिले चेहरे। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला। रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला में हुई बर्फबारी। कुल्लू मनाली में भी बरसे बादल। उत्तराखंड में भी खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी। अगले दो दिन भारी बारिश और बर्फबारी का के आसार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुख्यात गैंगस्टर मनोज आसे गिरफ्तार। 1 लाख का इनामी आसे पिछले दिनों गौतम बुद्ध नगर के 7 बड़े गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल था। पुलिस मुठभेड़ में जख्मी आसे अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में विस्तार एयरलाइंस के मैनेजर ने की खुदकुशी। वेस्ट लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार में मिली मैनेजर की लाश। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 8वीं के छात्र की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप स्कूल के ही दो नाबालिग छात्र पर। पटना के फुलवाड़ी शरीफ में पकड़े गए अंतर्राज्यीय शराब गिरोह के 3 तस्कर। पुलिस ने इनके पास से ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद की। गिरफ्तार तस्करों में 2 लड़कियां भी शामिल। महाराष्ट्र के बीड में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। सीलमपुर में एक युवक को 2 बदमाशों ने घेर कर लूटा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बदमाशों ने पहले लड़के को गला दबाकर पकड़ा और मोबाइल पैसे छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से चले लाठगुजे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट के दौरान कई छात्र जख्मी हुए। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। सैन्य अधिकारी के खिलाफ इमरान ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कोर्ट ने 3 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी पाकिस्तान के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। सिटीजन पाकिस्तान में ईस्ट निंदा मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक हुआ रिहा। शुक्रवार को एबटाबाद के आतंकवाद रोधी कोर्ट ने 2 लाख के निजी मुचलके पर चीनी नागरिक को जमानत दी।
बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शार्प पर पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के लिए कर्ज की व्यवस्था कराने का आरोप। श्रीलंकाई संसद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी मिली। ट्रेनिंग के दौरान अलास्का में अमेरिकी सेना का 2 हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 पायलटों की हुई मौत। इस साल अमेरिका में आर्मी हेलीकॉप्टर के हादसे से जुड़ी ये तीसरी दुर्घटना है। आईपीएल के 38वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 56 रनों से हराया। 258 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम 201 रन पर ही सिमट गई। लखनऊ की तरफ से यश ठाकुर ने 4 विकेट लिए, वहीं एलएसजी के बल्लेबाज काइल मेयर्स ने 54 और स्टोइनिस ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 से पृथ्वी शॉ की विदाई तय। टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने शॉ को बिठाने के संकेत दिए। कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह की फैंस लिस्ट में जुड़ा शाहरुख खान का नाम। केकेआर के मालिक और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने रिंकू सिंह की शादी में अलीगढ़ आने और डांस करने का किया वादा। प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन की वेब सीरीज सिटाडेल ओटीटी पर हुई रिलीज। फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई। एक्ट्रेस अनन्या पांडे योगा क्लास के बाहर हुई स्पॉट, नो मेकअप के साथ व्हाइट ओवरसाइज टी शर्ट में नजर आई। साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूट प्रभु का आंध्र प्रदेश के अल्लापाड़ू गांव में फैंस ने बनाया मंदिर। इससे पहले नयनतारा हंसिका मोटवानी का मंदिर बन चुका। एक्ट्रेस कृति सेनन मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, कैजुअल लुक में आई नजर, फैंस ने ली सेल्फी। एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक साथ हुए स्पॉट, तेजस्वी रेड ड्रेस में तो वहीं करण सूट पहने नजर आए। मुंबई में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। अवार्ड फंक्शन में महाराष्ट्र टूरिज्म के साथ सलमान खान, आयुष्मान खुराना और टाइगर श्रॉफ भी नजर आए। फिल्म बधाई हो के लिए राजकुमार राव ने जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस और गंगूबाई काठेवाड़ी को बेस्ट फिल्म घोषित किया गया। बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट शिव ठाकरे रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 के शूटिंग से पहले मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा करते हुए नजर आए। एक्टर मनोज वाजपेयी ने शेयर की अपनी फैमिली फोटो, पत्नी शबाना पिंक कलर के सूट और बेटी अवा ग्रीन ड्रेस में नजर आएंगी।